किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने दी धमकी, ट्विटर बंद कर देंगे, कर्मचारियों के घर मारेंगे छापा, जैक डॉर्सी ने लगाया पीएम मोदी पर इल्जाम। मोदी सरकार एक बार फिर हो गई बेनकाब, ट्विटर के पूर्व सीईओ ने खोल दिए कई राज, सीईओ ने तुर्की से की भारत की तुलना, मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर जमा लिया है कब्जा, पूरी तरह सोशल मीडिया को करते हैं कंट्रोल, ट्विटर के को फाउंडर ने कर दिया बड़ा खुलासा, बताया कैसे किसान आंदोलन में मोदी की सरकार ट्विटर पर कर रही थी कंट्रोल, बात न मानने पर ट्विटर के ऑफिस तक को बंद कराने की दे दी थी धमकी, आलोचक पत्रकारों के अकाउंट को ब्लॉक करने का दिया था आदेश। मामला क्या है, सोशल मीडिया जितना अच्छा था अब उतना ही खतरनाक हो गया है, सोशल मीडिया को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया गया, कोई भी एजेंडा चलाना हो या झूठ फैलाना हो सोशल मीडिया कारगर सिद्ध हो रही है, ये वही सोशल मीडिया है जिस पर 200 साल के संघर्षों के बाद मिली आज़ादी को भी नकार दिया जाता है, गांधी जैसे महापुरुष को भी यहाँ गालियाँ दी जाती हैं, इस सोशल मीडिया के जरिए ही देश में बहुत सारे दंगे भड़काए गए, एक खास संप्रदाय के खिलाफ जहर बोया गया एवं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, सोशल मीडिया पर एक ट्रोल आर्मी खड़ी हो गई जो जब चाहे जिसको चाहे ट्रोल कर देती है, उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जायज सवाल उठाते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, वहीं फेक न्यूज़ों से भी लोगों को जागरूक करते हैं, मोदी सरकार को सवाल करने वाले और उनकी आलोचना करने वाले लोग पसंद नहीं, सरकार उनके पोस्ट ट्वीट को डिलीट करवा देती है, अब ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया, डॉर्सी ने भारत सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, डॉर्सी ने भारत सरकार द्वारा ऑफिस को बंद कराने की धमकी का भी जिक्र किया। ट्विटर के को फाउंडर का वीडियो वायरल, भारत को लेकर कई खुलासे पिछले साल, ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा देने वाले ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैक डॉर्सी ने अपने दिए इंटरव्यू में दावा किया कि कंपनी के पास 2021 में भारत से कई बार रिक्वेस्ट आई थी, सरकार किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कह रही थी, सरकार ने किसान आंदोलन के समर्थकों एवं सरकार के आलोचकों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का दिया था आदेश। डॉर्सी से जब पूछा गया क्या उन्हें विदेशी सरकारों की ओर से दबाव का सामना करना पड़ता है, हां में जवाब देते हुए डॉर्सी ने भारत का नाम लिया और किसान आंदोलन की याद दिलाई, डॉर्सी ने कहा आंदोलन के समय उनके पास ऐसे कई अनुरोध आए थे जिसमें कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक रहे उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने का दबाव डाला गया, भारत में ट्विटर के ऑफिस को बंद करने और कर्मचारियों के घर छापा मारने तक की धमकी दी गई। तुर्की से की भारत की तुलना, जैक डॉर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से करते हुए कहा वहां भी ऐसी ही दिक्कतें आईं, तुर्की की सरकार ने वहां ट्विटर बंद करने की धमकी तक दी थी, ट्विटर और सरकार के बीच अक्सर अदालती लड़ाई होती थी और अंत में ट्विटर जीत जाता था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने शेयर किया वीडियो, डॉर्सी के दावे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने डॉर्सी के उस इंटरव्यू क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, श्रीनिवास ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा लोकतंत्र की जननी अनफिल्टर्ड लिखा है, वहीं एनएसयूआई के नीरज कुंदन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया और कहा कि यह बार बार साबित हो रहा है।